हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट कोचिंग क्लासेस। हमने लास्ट वीडियो में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंडर ऑफेंसेस एंड पेनल्टी चैप्टर स्टार्ट लिया था। आज हम फर्दर इस चैप्टर के लेफ्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक, डिटेंशन, सीजर एंड रिलीज ऑफ गुड्स एंड कन्वेयंस इन ट्रांजिट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 129। Detention of goods is related with the temporarily detaining goods by officer to check violation of law with the help of required documents. If violation of law is found, then these goods are seized, and if no violation of law is found, then these goods are released. Means, क्या होता है जब conveyance के through गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जा रहे होते हैं, ठीक है, और आपने गुड्स जो है विदाउट इनवॉइस मूव कर दी है, ठीक है, या क्वांटिटी जितनी आपके बिल्स में लिखी है उससे ज़्यादा है, मतलब कोई ना कोई रूल को आप ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन का जिनका काम होता है, आपको पता होगा वो गाड़ियाँ जो है एक जगह से दूसरी जगह सामान भर के जाती हैं, ठीक है, तो उसके भी कुछ रूल्स हैं कि एक गाड़ी में इतना सामान, इससे ज़्यादा टन नहीं होने चाहिए, या फिर आपने टैक्स से बचने के लिए ना बिल में तो कुछ और दिखाया, एक्चुअली गुड्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, या आपने इनवॉइस इशू नहीं किया और आपने गुड्स जो हैं मूव कर दिए, ठीक है। तो ऐसे केसेस में रास्ते में रोका जा सकता है, ठीक है, और जो ऑफिसर्स के द्वारा चेक किया जा सकता है। अब चेक करते हुए अगर तो वायलेशन ऑफ लॉ हुआ, मतलब कानून तोड़ा गया, तब तो वो गुड्स को क्या कर लेंगे, सीज कर लेंगे। और अगर आपके प्रोडक्ट्स, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए उन्होंने, आपके गुड्स चेक किए, ठीक है, आपकी गाड़ी के कागज़ वगैरह चेक किए, अगर सब प्रॉपरली सही है तो आपके गुड्स को रिलीज कर दिया जाएगा और आप जा सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो ये एक तरह से क्या है कि आपकी चेकिंग हो सकती है इन ट्रांजिट, मतलब ट्रांजिट के दौरान, ठीक है। तो ऐसे केस में फिर गुड्स को कस्टडी में भी लिया जा सकता है अगर आपने रूल को तोड़ा होगा। सो प्रोविजन पढ़ते हैं रिलेटेड टू डिटेंशन, सीजर एंड रिलीज ऑफ गुड्स एंड कन्वेयंस इन ट्रांजिट। फर्स्ट आता है इसके अंदर डिटेंशन और सीजर ऑफ गुड्स एंड कन्वेयंस इन ट्रांजिट, सेकेंड रिलीज ऑफ डिटेन गुड्स, ठीक है। फर्स्ट मैंने अभी आपको समझाया डिटेंशन और सीजर ऑफ गुड्स एंड कन्वेयंस इन ट्रांजिट कब होगा, मैंने अभी आपको बताया कि अगर वायोलेशन ऑफ रूल होगा, यानी कि आपने लॉ के रूल्स को तोड़ा और आपके गुड्स को क्या कर लिया जाएगा, सीज कर लिया जाएगा। नेक्स्ट में आता है रिलीज ऑफ डिटेन गुड्स। अब डिटेन तो कर लिए गुड्स, ठीक है, पर अगर आप ऑनर, मतलब एक तरह से इसके अंदर दो पार्ट्स आते हैं जी। इसमें क्या आता है, इफ़ ऑनर ऑफ द गुड्स कम फॉरवर्ड, अगर ऑनर जो है वो आगे आ जाएगा, और अगर आपके गुड्स एग्जम्प्टेड गुड्स होंगे, कौन से गुड्स होंगे, एग्जम्प्टेड गुड्स, तब आपके ऊपर कुछ पेनल्टी चार्ज कर दी जाएगी, ठीक है, और वो क्या होगी, 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 रुपीज़ विच एवर इज लेस, और आपके गुड्स को रिलीज कर दिया जाएगा। मतलब आप ऑन द स्पॉट क्या करेंगे, पेनल्टी पे कर देंगे। अगर टैक्सेबल गुड्स हुए, कौन से गुड्स हुए, टैक्सेबल गुड्स, तब क्या होगा, टैक्स प्लस 100% ऑफ टैक्स पेएबल, दोनों, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो 200% हो गया। समझ रहे हैं बात को, टैक्स प्लस 100% ऑफ टैक्स पेएबल आपके ऊपर चार्ज किया जाएगा, आप पे करेंगे तो आपके गुड्स को रिलीज कर दिया जाएगा। अब बात आती है अगर ऑनर ऑफ द गुड्स डज नॉट कम फॉरवर्ड, अगर ऑनर जो है सामने नहीं आता, तब क्या होगा, एग्जम्प्टेड गुड्स के केस में 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवर इज लेस, पहले था 2% ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ गुड्स, ठीक है, और इस केस में क्या है, 5% ज़्यादा है। दूसरा, अगर टैक्सेबल गुड्स हुए तो टैक्स प्लस 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, ये 50%, 100 और 50 में कंपैरिजन करोगे ना तो आपके दिमाग में आएगा ये तो 50% है, अगर ओनर सामने नहीं आया तो ज़्यादा बेनिफिट है। बट आप ध्यान से सुनिए मेरी बात, दोबारा वीडियो को बैक करके सुनिएगा, मैंने पहले बोला 100% ऑफ टैक्स पेएबल, और अब बोला 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, जितना आपकी गाड़ी में गुड्स स्टोर होंगे, ठीक है, उन सारों के ऊपर, उन सारों की तो वैल्यू ज़्यादा होगी ना टैक्स से,
तो उस वैल्यू का 50%, तो अब बताइए कौन सा ज़्यादा है ना। तो आप ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट आपके पास आता है कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स और कन्वेंसेस। अब कॉन्फिस्केशन क्या है, देखिए सीजर मींस क्या था, सीजर मींस गुड्स और प्रॉपर्टीज टेकन इन द कस्टडी बाय द डिपार्टमेंट, जस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा कस्टडी में लिए गए। बट सीजर क्या है, सीजर ऑफ गुड्स, सीजर में क्या होता है जी, सीजर में आपके गुड्स को कस्टडी में तो लिया ही जाता है ठीक है, पर रिलीज नहीं किया जाता। सॉरी सीजर तो अभी मैंने आपको बताया कि उसमें जस्ट गुड्स को लिया जाता है कस्टडी में ठीक है, बट कॉन्फिस्केशन की बात हो रही है। कॉन्फिस्केशन में क्या है, आपके गुड्स को कस्टडी में तो लिया ही गया बट आपके गुड्स को रिलीज नहीं करेंगे ठीक है। सीजर में क्या हो रहा है कि आपके गुड्स को कस्टडी में लिया बट यू आर द रियल ओनर, आप पेनल्टी पे करेंगे, आप ही उसके ऑनर हैं, बट कॉन्फिस्केशन में आप उसके ऑनर नहीं रहेंगे, वो गवर्नमेंट के हैंड्स में चला जाएगा ठीक है। सो कॉन्फिस्केशन जो है वो सीजर से थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है। नेक्स्ट आता है जी प्रोविजंस रिलेटेड विद द कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स और कन्वेंसेस अंडर GST लॉ सेक्शन 130 सबसेक्शन 1। अब इसके अंदर हम पढ़ते हैं, फर्स्ट आता है सर्कमस्टांसेस व्हेन गुड्स और कन्वेंसेस बी कॉन्फिस्केटेड। कब कब हो सकते हैं जी, कब कब हो सकते हैं, सप्लायर रिसीव्स एनी गुड्स इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन, मतलब आपने क्या किया, रूल तोड़ा ठीक है, उल्लंघना करी प्रोविजंस की रिलेटेड टू सप्लाई और रिसीव ऑफ एनी गुड। नेक्स्ट है नॉट कीपिंग अकाउंट्स फॉर गुड्स, आपने गुड्स का अकाउंट मेंटेन नहीं किया। सप्लाई गुड्स विदाउट हैविंग एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है और आप गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं। कॉन्ट्रावेंस प्रोविजंस विद इंटेंट टू इवेट टैक्स, आपकी इंटेंशन क्या थी, टैक्स से बचने की, और इस करके आपने रूल की क्या करी, उल्लंघना करी। यूजेस ऑफ कन्वेंस इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस, आपने कन्वेंस का जो ये यूज किया ठीक है, पर यूज करते हुए आपने रूल्स को तोड़ा, कॉन्ट्रावेंशन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कन्वेंस को यूज नहीं किया ठीक है। तो ऐसे सब केसेस में आपके गुड्स को कन्फिस्केटेड कर लिया जाएगा ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फाइन इन ल्यू ऑफ कॉन्फिस्केशन सेक्शन 130 सबसेक्शन 2। इसके अंदर फाइन बताया गया है, अपर लिमिट कितनी रहती है, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स के गुड्स से ज़्यादा नहीं हो सकती, बस इतना पता है ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स मतलब जो गुड्स आपके ट्रांजिट में पकड़े गए उनकी मार्केट वैल्यू से तो ज़्यादा नहीं हो सकती, बट ऑब्वियसली बात है उतनी हो गई तो मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम ही हो गई ना ठीक है। और लोअर लिमिट क्या होगी, फाइन नॉट बी लेस देन द अमाउंट ऑफ पेनल्टी, जो पेनल्टीज पहले से डिसाइडेड है उनसे कम तो लोअर लिमिट नहीं होगी ठीक है। नेक्स्ट है जी प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड, आपको सुनवाई का मौका दिया जाएगा। टाइटल वेस्ट इन द गवर्नमेंट, जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज, सॉरी गुड्स और कन्वेंस दोनों चीज़ें कॉन्फिस्केट हो सकती हैं, गुड्स भी कन्वेंस भी ठीक है, वहाँ पे टाइटल उस सच गुड्स का कन्वेंस का जो है वो गवर्नमेंट द्वारा वेस्ट कर लिया जाएगा, मतलब टेक ओवर कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है होल्डिंग पोजेशन बाय प्रॉपर एडजस्टिंग ऑफिसर्स, ये जो देखा जाए तो जो भी आपके पोजीशन है वो प्रॉपर ऑफिसर द्वारा उनके पोजीशन में ही, मतलब जो आपके गुड्स और कन्वेंस हैं वो रहते हैं। नेक्स्ट है डिस्पोज ऑफ गुड्स और कन्वेंस, क्या होता है जी, प्रोसीडिंग्स चलती हैं, अगर प्रोसीडिंग्स के दौरान जो भी फाइन वगैरह डिसाइड हुआ आप नहीं पे कर रहे हैं ठीक है, और 3 महीने से ऊपर का टाइम हो गया है, तो उन गुड्स को जो है जो ऑफिसर हैं वो क्या कर देंगे, डिस्पोज ऑफ कर देंगे, और उनसे जो भी अमाउंट आएगी वो गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवा देंगे ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आज का टॉपिक प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन क्या है, प्रोसिक्यूशन इज द इंस्टीट्यूशन और कमेंसमेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एग्जिबिटिंग फॉर्मल चार्जेस अगेंस्ट ऑफेंडर, ऑफेंडर के अगेंस्ट फॉर्मल चार्जेस लगाना इज द प्रोसिक्यूशन ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जी प्रोविजंस रिलेटेड विद प्रोसिक्यूशन अंडर CGST SGST एक्ट।
इसके डिफरेंट प्रोविजंस हैं. फर्स्ट आता है ऑफेंसेस विच वारंट प्रोसिक्यूशन अंडर द CGST और SGST एक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 132 सबसेक्शन 1. पनिशमेंट्स आती हैं 132 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 1, रिपीटेशन ऑफ ऑफेंस 132 सबसेक्शन 2, मिनिमम इम्प्रिजनमेंट के बारे में बताया गया 132 सबसेक्शन 3 के अंडर, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में बताया गया है 132 सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 के अंडर, सैंक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसिक्यूशन 132 सबसेक्शन 6 के अंडर. वन बाय वन करके ये सारे सेक्शंस डिस्कस करते हैं. फर्स्ट आते हैं ऑफेंसेस विच वारंट प्रोसिक्यूशन अंडर CGST एक्ट 132 सबसेक्शन 1. कौन सी लिस्ट है जी? जो लिस्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई, सप्लाईज विदाउट इशू ऑफ इनवॉइस. अगर आप बिना इनवॉइस के सप्लाई कर देते हैं, इश्यूज इनकरेक्ट इनवॉइस, आपने इनकरेक्ट इनवॉइस इशू किया, रॉन्गली अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपने ITC जो है वो गलत अवेल किया है, ठीक है, फेलिंग टू पे टैक्स, टैक्स नहीं पे किया, इवेडिंग टैक्स, टैक्स से बचने के लिए मतलब बहुत सारे आपने स्टेप्स उठाए कि टैक्स से बचा जा सके, जैसे भी फॉल्सिफाइज और सब्स्टिट्यूट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड, आपने रिकॉर्ड जो है वो गलत मेंटेन किया है, ऑब्स्ट्रक्ट्स एनी ऑफिसर इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, आपने अपनी ड्यूटी को प्रॉपर परफॉर्म नहीं किया, एक्वायर्स पोजेशन रॉन्गली, आपने गलत तरीके से मतलब गलती से नहीं गलत इंटेंशन से पोजेशन ले रखा है गुड्स का, रिसीविंग और सप्लाइंग इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविज़न, आप रिसीव करते हैं सप्लाई करते हैं गुड्स को बट प्रोविजंस को फॉलो नहीं करते, ठीक है, टैम्पनिंग विद इविडेंस, इविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं, फेल्स टू सप्लाई एनी इन्फॉर्मेशन, आप जैसे भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी चाहिए, सप्लाई करनी चाहिए, सप्लाई से रिलेटेड सॉरी इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए, आप वो नहीं देते हैं, तो इन सब के केस में क्या होगा, आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, ठीक है, और फॉर्मल चार्जेस जो हैं आपके ऊपर लगाए जाएंगे. नेक्स्ट आता है पनिशमेंट. पनिशमेंट कितनी हो सकती है? इसके अंदर आते हैं 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट, 3 ईयर, 1 ईयर और 6 मंथ्स. 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट और फाइन कब लग सकता है? जब आपने टैक्स से बचने की कोशिश करी एक्सीडिंग ₹5 करोड़, 5 करोड़ से ज़्यादा टैक्स बचाने की कोशिश करी, तो 5 साल की इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों चार्ज आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं. 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन कब होगा? जब आपका टैक्स जो है आपने जो बचाने की कोशिश करी वो 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के बीच में लाई करता है. 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन कब होगा? जब आपका टैक्स इवेडेड बिटवीन 1 करोड़ एंड 2 करोड़ होगा. 6 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट और फाइन कब होगा? जब आपने कोई भी उल्लंघना करी, रूल तोड़ा, फॉल्स रिकॉर्ड्स दिखाए, ऑब्स्ट्रक्टिंग ऑफिसर्स, मतलब छोटे मोटे जो भी केसेस रह जाते हैं उनमें 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट होती है. रिपीटेशन ऑफ ऑफेंस, अगर आप ऑफेंस को रिपीट करते हैं तब आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, 5 ईयर्स प्लस फाइन भी चार्ज किया जा सकता है. मिनिमम इम्प्रिजनमेंट अभी आपने कितनी पढ़ी? 6 मंथ्स, ठीक है, और मैक्सिमम कितनी पढ़ी? मैक्सिमम तो हमने पढ़ी है कि 5 ईयर्स होती है, ठीक है. नेक्स्ट आता है जी ऑफेंसेस अंडर CGST एक्ट सेक्शन 132 सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंग. फर्स्ट आता है नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, नेक्स्ट आता है कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, ठीक है. फर्स्ट में ऑल ऑफेंसेस वेयर इवेजन ऑफ टैक्स इज लेस देन 5 करोड़, अगर आपके इवेजन जो है मतलब टैक्स से जो आप टैक्स बचाया आपने मतलब चोरी करी एक तरह से, वो अगर 5 करोड़ से कम हुआ, ठीक है, तो नॉन कॉग्निजेबल के अंडर आते हैं जी, और उनमें प्रॉपर फाइन वगैरह पे करने के बाद बेल भी हो सकती है. नेक्स्ट आते हैं कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, अगर 5 करोड़ से ज़्यादा हुआ तो ना तो बेल होगी, ठीक है, प्रॉपर जेल वगैरह जो भी इनका पेनल्टी आपके ऊपर लगनी है, पनिशमेंट आपको मिलनी है, वो मिल के रहेगी, ठीक है जी. नेक्स्ट आता है सैंक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसिक्यूशन. इसमें क्या है जी, अ पर्सन शैल नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर एनी ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द कमिश्नर. अगर आपने मतलब आपके ऊपर मतलब सैंक्शन लगा दी, कमिश्नर ने ही कह दिया कि आपको तो मिलनी ही चाहिए सजा, ठीक है, फिर तो मिल के रहेगी, बट अदरवाइज अगर आप 132 सबसेक्शन 6 के अंडर लाई करते हैं तो प्रोसिक्यूशन से बचा भी जा सकता है, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक आता है जी कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेज सेक्शन 134.
नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर CGST एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सेंक्शन ऑफ द कमिश्नर. अगर कमिश्नर की सेंक्शन नहीं मिलती तो कोई भी कोर्ट जो है सारे ऑफेंसेस को ध्यान में रखते हुए आपको पनिश नहीं कर सकती. ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 134. नेक्स्ट आते हैं ऑफेंसेस बाय कंपनीज एंड सर्टेन अदर पर्सन्स सेक्शन 137 के अंडर. इसमें आता है ऑफेंसेस बाय कंपनीज, पर्सन टू बी हेल्ड फॉर ऑफेंस, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर और कर्ता और मैनेजिंग ट्रस्टी, नो पनिशमेंट इफ ऑफेंस वाज कमिटेड विदाउट नॉलेज. पहला क्या है जी, ऑफेंसेस बाय कंपनीज. अगर मान लीजिए कंपनी में कोई अपराध किया जाता है, ठीक है, अब उसमें कंपनी का तो, कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, करेगा तो कोई पर्सन ही है ना, तो एट द टाइम ऑफ ऑफेंस जो भी पर्सन उसमें रिस्पॉन्सिबल हुआ उसको क्या कर दिया जाएगा, उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स चलाई जाएंगी और पनिश किया जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट आता है पर्सन्स टू बी हेल्ड लायबल फॉर ऑफेंस. यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ऑफेंस है कमिटेड बाय अ कंपनी और इट इज प्रूव दैट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय विद द कंसेंट, मतलब प्रूव तो ये हुआ जी कंपनी ने किया, ठीक है, क्या ऑफेंस अपराध, बट प्रूव क्या हुआ बाद में कि किसकी कंसेंट से हुआ, मतलब इंटेंशनली किसी ना किसी डायरेक्टर मैनेजर सेक्रेटरी या किसी ऑफिसर ने इंटेंशनली वो अपराध किया है जानबूझकर, तो उसी के अगेंस्ट क्या होगा, प्रोसीडिंग्स चलाई जाएंगी और उसके ऊपर ही पेनल्टी चार्ज की जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट आता है लायबिलिटी ऑफ पार्टनर और कर्ता और मैनेजिंग ट्रस्टी. जो एक टैक्सेबल पर्सन होते हैं जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर्स, ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में कर्ता, ठीक है, मैनेजिंग ट्रस्टी, तो इन सब के ऊपर ही क्या लगाया जाएगा, अगर ऑफेंस हुआ तो इन सब के ऊपर चार्ज लगाया जाएगा, इन सब की लायबिलिटी बनेगी, अदरवाइज किसी और की नहीं. नो पनिशमेंट इफ ऑफेंस वॉज कमिटेड विदाउट नॉलेज. कभी कभी ऐसा होता है ऑफेंस हुआ तो बट मेन ऑनर की नॉलेज में ही नहीं था, है ना, जब उनकी नॉलेज में नहीं था तो कोई पनिशमेंट उसे नहीं मिलेगी. इज इट क्लियर. नेक्स्ट चलते हैं कंपाउंडेड ऑफ ऑफेंसेज. इट इज अ शॉर्टकट मेथड टू अवॉइड लिटिगेशन. Accused is discharged on payment of compounding fee which cannot be more than the maximum fine under GST and it save time and money. Normally क्या होता है जब भी कोई मतलब आपके ऊपर charge लगाया जाता है, ठीक है, तो आपको उसके against proceedings में जाना पड़ता है, उसकी proceedings को follow करना पड़ता है. जैसे suppose कीजिए आपने कोई गलती करी, proper advocate hire करके आपको time to time जब जब hearings होंगी आपको वहाँ पर पेश होना पड़ता है, ठीक है, बट इस प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है, कंपाउंड कर दिया जाता है. मींस एक तरह से शॉर्टकट मेथड है ताकि इतनी बड़ी लीगल प्रोसीडिंग्स ना हो, इतनी बड़ी प्रोसेस को फॉलो ना किया जाए, तो क्या कर दिया जाता है, आपके ऊपर एक कंपाउंड ऑफ पेनल्टी जो है वो लगा दी जाएगी, ठीक है, जो कि मैक्सिमम फाइन से कम नहीं हो सकती, जो GST के अकॉर्डिंग मैक्सिमम फाइन होना चाहिए ना उससे कम नहीं हो सकती, ठीक है, और वो आपके ऊपर चार्ज कर दी जाएगी, आप उसे पे कर देंगे. तो इस तरह से क्या होगा, आपका टाइम भी बचा और मनी भी बची. बार बार जो इतना टाइम वेस्ट होता प्रोसीडिंग्स में जाते, आप हियरिंग्स पे जाते टाइम टू टाइम, ठीक है, तो उससे आप जो है बच जाते हैं. तो कंपाउंडेड ऑफ ऑफेंस कहीं ना कहीं क्या है, एक शॉर्टकट मेथड है ताकि लिटिगेशन से बचा जा सके और इसमें जो आपके ऊपर पेनल्टी यानी कि जो भी आपके ऊपर चार्जिंग लगाए जाते हैं चार्जेस सॉरी तो वो जो है मैक्सिमम अमाउंट जो है चार्ज लगाया जाता है पेनल्टी की फॉर्म में, ठीक है. नेक्स्ट आता है प्रोविजंस रिलेटेड विद कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस अंडर GST लॉ. फर्स्ट आता है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, सेकेंड रिस्ट्रिक्शंस टू कंपाउंडिंग, थर्ड अमाउंट पेएबल फॉर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेज, फोर्थ कंसिक्वेंसेज ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ एन ऑफेंस. वन बाय वन करके आगे डिस्कस करते हैं. कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, किस तरह का ऑफेंस होगा, टाइप ऑफ ऑफेंस, ऑल ऑफेंसेस अंडर CGST एक्ट. CGST एक्ट में जितने भी जितनी भी मतलब बातों को ऑफेंस माना गया है वो सभी तरह के ऑफेंसेस इसमें कवर होंगे.
टाइम इधर बिफोर और आफ्टर, कब किया आपने वो अपराध, या तो आपने प्रोसिक्यूशन से पहले कर लिया, ठीक है, या आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन किया। अलाउड बाय, आपके ऊपर जो ये ऑफेंसेस के लिए जो कंपाउंडिंग फीस जो अलाउ की जाएगी वो कमिश्नर के थ्रू की जाएगी। पेमेंट कौन करेगा, जिसने अपराध किया है, और किसको की जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को। नेक्स्ट आता है रेस्ट्रिक्शंस टू कंपाउंडिंग। क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, अलाउड टू कंपाउंड वंस, एक ही बार जो है वो अलाउ किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नो कंपाउंडिंग इफ वैल्यू एक्सीड 1 करोड़ रुपी, अगर आपकी जो वैल्यू है वो 1 करोड़ रुपी से ज़्यादा है तो कोई कंपाउंडिंग नहीं की जाएगी, प्रॉपर वही प्रोसीडिंग्स फॉलो होंगी, ठीक है। नेक्स्ट, नो कंपाउंडिंग इफ ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ, अगर आपने CGST लॉ के अकॉर्डिंग नहीं किसी और लॉ में ऑफेंस किया है तब भी आपको यहाँ पे कंपाउंडिंग नहीं की जाएगी। नो कंपाउंडिंग इफ कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस, यहाँ स्पेलिंग ठीक कर लेना, ऑफेंस है, कोई कंपाउंडिंग नहीं की जाएगी। इफ अ पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस अंडर CGST एक्ट बाय कोर्ट, कोर्ट के थ्रू अगर आपके ऊपर CGST एक्ट के अकॉर्डिंग कन्विक्शंस लगा दी गई हैं तो आपको कोई भी कंपाउंडिंग नहीं की जाएगी, ठीक है। नो कंपाउंडिंग इफ एक्यूज्ड ऑफ कंपाउंडिंग स्पेसिफाइड ऑफेंस, अगर आपने स्पेसिफाइड ऑफेंस जो कमिट किया है, ठीक है, और उसमें इफ एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग ऑफिश स्पेसिफाइड ऑफेंस, ठीक है, तो वहां पर आपके ऊपर कंपाउंडिंग नहीं की जाएगी। नेक्स्ट आता है अमाउंट फॉर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, कितनी अमाउंट रहेगी, लोअर लिमिट कितनी हो सकती है, 10,000 या 50% ऑफ टैक्स, दोनों में से जो ज़्यादा होगा, और अपर लिमिट कितनी हो सकती है, 30,000 या 150% ऑफ टैक्स, दोनों में से जो ज़्यादा होगा, ग्रेटर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है जी कंसिक्वेंसेस ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ एन ऑफेंस, नो फर्दर प्रोसीडिंग्स, मैंने अभी आपको बताया कंपाउंडिंग में एक तरह से क्या हो रहा है, आप प्रोसीडिंग्स को फॉलो नहीं कर रहे, आपके ऊपर एक कंपाउंड टैक्स लग रहा है, ठीक है, या पेनल्टी लग रही है, तो इसके बाद कोई फर्दर प्रोसीडिंग्स नहीं की जाएंगी। अबेटमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स, मतलब फर्दर आपके ऊपर कोई भी मतलब एक्शंस नहीं लिए जाएंगे, वहीं आपका ये समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। आई होप आज के टॉपिक्स आपको क्लियर हैं, आज ये आपका चैप्टर ओवर होता है। अगर वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।